एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑलवेज नेचुरल। और मैं हूं अनामिका और आज का वीडियो होने वाला है स्किन लाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग सोप के बारे में। जैसा कि टाइटल देख के आपको पता लग गया होगा कि इस वीडियो में हम कोजी केयर स्किन ब्राइटनिंग सोप के बारे में बात करने वाले हैं। मार्केट में ये सोप काफी ज्यादा प्रचलित है, तो मैंने सोचा क्यों ना अपना एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो इस वीडियो में हम कोजी केयर स्किन ब्राइटनिंग सोप के बारे में बताएंगे, साथ ही इसकी MRP, इसकी क्वांटिटी, इसके बेनिफिट्स, ये कैसे यूज करना चाहिए, किन स्किन टाइप वालों को यूज करना चाहिए, कहाँ से बाय करना चाहिए और किन किन प्रॉब्लम पे ये काम करता है और हमें लेना भी चाहिए या नहीं लेना चाहिए, सारी चीजें इस वीडियो में आपको बताऊंगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए हैं, मुझे फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बराबर में एक बेल आइकन भी होगा उसे भी जरूर हिट कर ले ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हैं तो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम लिंक, यहाँ भी मुझे जरूर फॉलो कर ले। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पर जिस सोप के बारे में बात कर रही हूँ वो है कोजी केयर स्किन लाइटनिंग सोप, जो कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में आता है। तो ये एक कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आता है। अब बात करते हैं इसकी MRP की, तो इसकी MRP है 100 रुपीज। अगर क्वांटिटी की बात करें तो क्वांटिटी है 75 ग्राम, लेकिन मैंने ये 3 सोप का कॉम्बो लिया था, ये मैंने फ्लिपकार्ट से बाय किया था तो मुझे 176 का पड़ा। ये प्रोडक्ट आपको अमेजोन पे भी अवेलेबल है, दोनों पे ही आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलेगा। तो अब बात करते हैं कि इस सोप पे इन लोगों ने क्या लिखा हुआ है कि किन किन चीजों पे काम करेगा। तो ये काम करेगा एंटी एजिंग प्रॉब्लम पे, मॉइस्चराइज करेगा आपकी स्किन, सन से भी आपको प्रोटेक्ट करेगा। अब बात करते हैं इसमें इंग्रेडिएंट्स में क्या क्या दे रखे हैं। तो इसमें है कोजिक एसिड, विटामिन सी, विटामिन ई, आर ब्यूटीन, इसके अलावा इन लोगों ने ग्लूटाथियोन भी दे रखा है। तो ये रहे इसके इंग्रेडिएंट्स। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि अंदर से ये सोप कैसा दिखता है। जैसे ये कुछ सोप इस तरीके की पैकेजिंग में आता है, एक प्लास्टिक की पैकेज में आता है और अंदर से व्हाइट कलर का सोप निकलता है। क्योंकि मैं सोप को अभी यूज कर रही हूँ, उसके बाद ही आप लोग साथ अपना रिव्यू शेयर कर रही हूँ, तो एक व्हाइट कलर का सोप निकलता है, नॉर्मल सोप की तरह ही होता है। अब बात करते हैं कि ये मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ कैसा रहा। तो जैसा कि यहाँ पर मेंशन कर रखा है कि स्किन व्हाइटनिंग में काम करेगा, जैसा कि इन्हें यहाँ पर लिखा है स्किन लाइटनिंग में काम करेगा, तो ये आपको लाइटनिंग कम से कम जो रिजल्ट है वो आपको 10-15 डेज में देगा। ऐसा नहीं है कि आपको 2-3 दिन में रिजल्ट दे देगा। स्किन लाइटनिंग का मतलब है आपकी स्किन का टेक्स्चर अच्छा करेगा, आपकी स्किन की टोन को भी धीरे धीरे इम्प्रूव करेगा। जैसा कि यहाँ पर इंग्रेडिएंट दिया हुआ है कोजिक एसिड, जो कि स्किन लाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग में काम करता है। जो भी स्किन लाइटनिंग और ब्राइटनिंग के सोप, क्रीम या फिर जो फेशियल ऑयल होते हैं, सभी में कोजिक एसिड की मात्रा होती है, जो कि हमारी स्किन को लाइट और ब्राइट करने में काफी ज्यादा हेल्प करती है। इसके अलावा इसमें विटामिन ई है, विटामिन सी है, जो हमारी स्किन का टेक्स्चर भी इम्प्रूव करती है। अब बात करते हैं कि ये किन स्किन टाइप वालों को यूज करना चाहिए। तो ये ऑल स्किन टाइप वाले यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप विंटर में यूज कर रहे हैं तो ड्राई स्किन वाले बिल्कुल यूज ना करें, क्योंकि स्किन ड्राई होने के चांसेस रहते हैं। वैसे इसको लगाने के बाद बहुत ज्यादा ड्राईनेस फील नहीं होती है, हल्का सा मॉइस्चराइज रहता है चेहरा, क्योंकि ये एक फेयरनेस सोप है, तो ड्राई स्किन वालों के लिए और ज्यादा ड्राईनेस फेस पे कर सकता है। इसे फेस और बॉडी दोनों ही जगह यूज कर सकते हैं। अभी तक मुझे इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं दिखा। फेस पे यूज करने से पहले छोटा सा पैच टेस्ट जरूर करें, बट मेरी स्किन में कोई भी साइड इफेक्ट बिल्कुल नहीं देखा। कोजी केयर के नाम पे मार्केट में काफी ज्यादा डुप्लीकेट प्रोडक्ट भी आपको मिलते हैं, तो आप थोड़ा ध्यान से लें। मैंने जहां से खरीदा है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहां से आप बाय कर सकते हैं। 3 सोप यहाँ से खरीदे, 176 के खरीदे थे। अगर बात करें कि मुझे किन किन चीजों पर रिजल्ट मिलना स्टार्ट हुआ है, तो मैं बताऊँ स्किन ब्राइटनिंग में आपको 10-15 डेज में, जैसा कि मैंने कहा, रिजल्ट दिखने को मिलेगा, लेकिन आपकी स्किन हल्की सी ग्लो करने लगेगी। अगर आपकी स्किन में दाग धब्बे की प्रॉब्लम है तो वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो मेरा एक्सपीरियंस के साथ काफी ज्यादा अच्छा रहा। हाँ, ये सोप यूज करने के बाद मेरे फेस पे बिल्कुल भी ड्राइनेस फील नहीं होती, क्योंकि मेरी ऑयली स्किन है तो मुझे बिल्कुल भी ड्राइनेस फील नहीं होती। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि जिनकी ड्राई स्किन है वो विंटर में थोड़ा सा आप ट्राई कर लीजिए, अगर आपको लग रहा है बहुत ज्यादा ड्राई हो रही है आपकी स्किन तो बिल्कुल यूज ना करें, आपका स्किन और भी ज्यादा खिंचा खिंचा रहने लगेगा। जैसा कि मैंने बताया इसके अंदर ये व्हाइट कलर का सोप निकलता है, लेकिन मैं काफी रिव्यू चेक कर रही थी, थोड़ा सा ब्राउन कलर का भी ये सोप निकला हुआ था, लोगों का मिला था। देखो, ऐसा नहीं है कि ये डुप्लीकेट है, वो ओरिजिनल है। हाँ, मार्केट में काफी ज्यादा डुप्लीकेट प्रोडक्ट है, लेकिन ये भी ओरिजिनल है। तो इससे कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा कि आपका व्हाइट सोप क्यों निकला, सबका तो ब्राउन था, तो उससे कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। तो आई होप मेरा रिव्यू आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।